तो अब कहते हैं टॉपिक 9 की फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन के, इसमें होता है रिलीजियस प्लूरिज्म एंड प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब भगवान क्या है, क्या वो है या नहीं है। रिलीजियस प्लूरिज्म का मतलब है कि धर्म कितने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने हैं। आज की तारीख में अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो बहुत सारे धर्म हो चुके हैं, IS IAS, उसमें संघर्ष और हिंसा, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं और ये संघर्ष विराम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। अब कुछ लोगों ने इसके सॉल्यूशन भी बताए हैं। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सर्वधर्म समन्वय समभाव और सद्भाव हो। समन्वय का क्या मतलब है? समन्वय का मतलब है कि सारे धर्मों से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल करके एक विश्व धर्म बना लो, जो कि संभव नहीं है। समभाव मतलब आपस में, जैसे हिंदू है वो मुसलमान, आपस में क्या है एक दूसरे के साथ भागीदार बने, एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के वार त्यौहार जो है एक दूसरे की जगह जाएं। सद्भाव का मतलब है कि दोस्ती रखें, ठीक है, मतलब लेकिन भागीदार ना बने। प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब आखिरकार सत्य है क्या, आखिरकार भगवान है क्या। तो कुछ लोगों का कंक्लूजन ही यही है कि भगवान तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, इसका कोई एक रास्ता नहीं है। जैसे पॉली क्लिनिक ने एक बोला है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को अपन चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। शंकराचार्य ने बोला कि ब्रह्म एक है और व्यवहारिक रूप से जो है वो ईश्वर हो सकता है या अनेक ईश्वर हो सकते हैं। तो व्यवहारिक रूप से ईश्वर को माना है, जबकि परमार्थिक रूप से ईश्वर या एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो एक ही है, ऐसा कहना है शंकराचार्य का। नेक्स्ट चलते हैं रिलीजियस एक्सक्लूविज्म। एक्सक्लूविज्म का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि भगवान तक यानी गॉड तक पहुंचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, ऐसा कहना है इस्लाम और ईसाई धर्म का। इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट क्यों होती है कि इसमें समभाव या सद्भाव नहीं जनरेट होता है। अब जैसे अगर इस्लाम में बोला है कि अल्लाह तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, तो बहुसंस्कृतिवाद को भी नुकसान पहुंचता है। सो एक थोड़ा सा ये एक्सक्लूसिव चीज़ें जो होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। हालांकि इसका कुछ सॉल्यूशन भी निकालते हैं अपन आगे। सॉल्यूशन ये है कि रिलीजियस प्लूरिज्म, यानी कि एक धर्म नहीं है, अनेक धर्म है। जैसे नेचर ऑफ रिलीजन की अपन बात करें तो हमारा आज की तारीख में हमारा रिलीजन का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य, हमें शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए और दुख नहीं चाहिए, दुख यानी दुख से मुक्ति चाहिए, ये हमारा रिलीजन का नेचर है। तो बहुत सारे धर्मों में ऐसा बता रखा है। तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि इंसान को इंसान से जोड़ना और आत्मा को शरीर से जोड़ना और आत्मा को भगवान से जोड़ना, ये हमारा परम कर्तव्य है, ऐसा रिलीजन हर अलग अलग प्रकार के धर्म में बता रखा है। ठीक है, अब जो प्लूरिज्म है यानी अलग अलग धर्मों के समर्थक कौन है? जैसे जैनिज्म के अंदर शादवाद को बता रखा है, शादवाद जो है सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक लाइन लिखी हुई है, बहुता वदंती, इसका मतलब ये है कि आपकी जो रियलिटी है यानी जो सत है वो एक ही है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग अलग है। गीता के अंदर भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने बताया है यदा यदा ही धर्मस्य। तो इसके अलावा शंकराचार्य ने बोला है कि परमार्थिक रूप से एक है, व्यवहारिक रूप से अनेक हो सकते हैं। कांत ने बोला है कि फिनोमिना के रूप में भगवान जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन न्यूमिना के हिसाब से भगवान जो है एक ही है। न्यूमिना का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे बियॉन्ड है, यानी स्पेस टाइम एक्सपीरियंस सबसे बियॉन्ड है, उसको न्यूमिना कहते हैं। फिनोमिना का मतलब कहते हैं ऐसी कोई चीज़ जो हमारे एक्सपीरियंस पे यानी कि हमारे अनुभव पर आधारित होती है, तो उसको क्या कहते हैं? फिनोमिना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो, फिनोमिना इज एक्सपीरियंस बेस्ड, न्यूमिना इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। तो न्यूमिना के बेसिस पे अपने भगवान में एकता है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा? प्लूरिज्म का एडवांटेज ये है कि इससे सद्भाव, सहिष्णुता और मतभेद कम होते हैं, तो इसलिए हमेशा हमें मानना चाहिए कि धर्म एक नहीं है, अनेक है। इससे क्या है कि खुशहाली आएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन टॉपिक नंबर 9 के ऊपर, जिसमें अपन पढ़ेंगे इस सेम चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें सेम हैं। जैसे जॉन हिक जो है वो प्लूरिज्म यानी कि धर्म जो है बहुत सारे हैं उनका सपोर्ट करता है। और प्लूरिस्ट और एक्सक्लूविस्ट का मतलब क्या होता है? प्लूरिस्ट मतलब जो एक धर्म को मानता है, और प्लूरिस्ट का मतलब जो होता है अनेक धर्मों को मानता है, और एक्सक्लूसिविस्ट माने जो सिर्फ एक बात को मानता है, जैसे इस्लाम एंड ये ऑल। न्यूमिना फिनोमिना अपने पढ़ लिया, क्या होता है? फिनोमिना जो है इंसान के एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होता है, और न्यूमिना जो होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर होता है, ठीक है, जैसे ईश्वर एंड ऑल। तो न्यूमिना के बेसिस पे ईश्वर एक है, जबकि फिनोमिना के बेसिस पे ईश्वर अनेक है। प्लूरिज्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारे इससे सेक्युलरिटी बढ़ती है, कल्चरल सपोर्ट बढ़ता है,
अबे और इससे हम जो हमें इंस्पिरेशन वगैरह मिलती है। जॉन हिक का एक उसने किताब लिखी थी यूनिवर्स एंड द फेथ, उसने बताया था कि इंसान जो है अलग अलग है लेकिन रियलिटी एक ही है। इसके अलावा एक विटगेंस्टिंग था, उसने एक डक और रेबिट का एक पिक्चर देखा था, आप उसको गूगल करके देखिए। तो उसमें क्या होता है कि जो डक होती है और जो रेबिट होता है दिखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनको आप देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो यू कैन गूगल इट। रियलिटी जो होती है वो आपके पास तीन प्रकार की हो सकती है, पर्सनल, इम्पर्सनल और नॉन पर्सनल। तो कैसे, देखो एक स्टोरी है अंधे आदमी और एलिफेंट की। जैसे कोई एलिफेंट है, ठीक है, अब उस एलिफेंट को जैसे अलग अलग लोगों ने पकड़ रखा है। तो जैसे किसी आदमी ने इसकी सूंड पकड़ रखी है एलिफेंट की, तो सूंड को पकड़ के क्या बोलेगा, अरे यार ये तो रस्सी है। किसी आदमी ने उसका पैर पकड़ रखा है तो वो क्या बोलेगा, अरे यार ये तो खंभा है। तो मतलब हर आदमी जो है वो भगवान के को पकड़ तो रखा है, लेकिन उसकी जो जो उसको व्यक्त है या उसको बोलने का जो तरीका है वो अलग अलग है। नेचुरलिज्म एंड एब्सोल्यूटलिज्म का क्या मतलब, एब्सोल्यूट जो है उसका रिजेक्शन किया है हिक का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब है कि भाई भगवान तक तो पहुंचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, तो ये एब्सोल्यूटिज्म नहीं होना चाहिए, इससे क्या है नुकसान होता है समाज को। और रिलेटिविज्म का मतलब ये होता है कि ऑल इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। एक होता है सिंक्रेटिज्म, सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है अलग अलग धर्म और जो कल्चर हैं उन सबको जोड़ दो और एक धर्म बना दो। तो ये जो कि संभव नहीं है कि एक नहीं बना सकते अपन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब होता है ट्रांसेंडेंट रियलिटी, क्या भगवान है या नहीं है ऐसा मानना है किसका नहीं है वो देखते हैं। शंकराचार्य ने बोला है कि ब्रह्म एक है और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए नॉलेज यानी ज्ञान मार्ग जो है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में बुद्धिज्म की हम बात करें तो बुद्धिज्म ये कहता है कि शून्यवाद, रियलिटी जो है वो शून्यवाद है और इम्परमानेंट है, इनडिपेंडेंट है। क्षणिकवाद को वो अपन पढ़े ही है, क्षणिकवाद को सपोर्ट करता है। और माध्यमिक शून्यवाद जो है वो रियलिटी को नहीं मानता है, माध्यमिक जो भी है अपने दिमाग के अंदर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। स्पिनोजा बोलता है कि जो सब्सटेंस होता है वही जो है एक होता है और वही रियलिटी होती है, ठीक है। कांत का कहना है कि फिनोमेना के बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो फिनोमेना एक प्योर, अगर आप देखोगे फिनोमेना के बेसिस के ऊपर अगर देखोगे तो जो जो धर्म है या जो रियलिटी है वो अनेक है। न्यूमेना के बेसिस के ऊपर देखोगे आप तो धर्म जो है वो अनेक है। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो फिनोमेना होता है वो एक्सपीरियंस पर आधारित होता है, इसमें प्योर रीज़न नहीं होता है, ये गलत दिया शायद मैंने। और जो न्यूमेना होता है वो प्योर जो है एक्सपीरियंस के बियॉन्ड होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। थैंक यू।